साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितने भी वीडियोज हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेलकॉन का ये जो 200 वाट मोनो का बोर्ड है वो आपको चला के दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है ये, उसके बाद इसे हम चला के देखेंगे और इसकी आवाज़ कैसी है वो भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको बेस ट्रेबल पे भी चला के देखेंगे या सब वूफर फिल्टर पे, जिससे कि क्या होता है कि जब आपका जैसे कि आपका ये वाला बोर्ड है तो वैसे चलाओगे आप इसे फ़ोन वोन की मदद से तो थोड़ी काफ़ी कम आवाज़ आएगी, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाएगी। और जिस टाइम पर आप इसको बेस टेबल से चलाओगे तो उस टाइम काफ़ी अच्छी आवाज़ आएगी। तो चलिए अभी मैं इसको इस रैपर से बाहर निकाल लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बोर्ड बना हुआ है। चार ट्रांजिस्टर इसके लगे हुए हैं, जिसके अंदर दो हैं 5198 और दूसरी तरफ भी है 5198, चारों के चारों एक ही हैं, 5198 है चारों के चारों। आई थिंक आपको अभी फोन में नहीं दिख रहा होगा, तो चारों के चारों एक ही नंबर के ट्रांजिस्टर हैं ये और काफी अच्छी तरीके से बना हुआ, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। बट इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ काम किया गया है यहाँ पे, मतलब प्रिंट को काटा गया अगर शॉर्ट हो रहा होगा जिस टाइम पे टेस्टिंग हुई होगी इसकी, क्योंकि ये जो सेलकॉन के बोर्ड आते हैं वो टेस्ट होके ही आते हैं। और ये आप इसकी देख सकते हैं, ये क्लिप है ना, तो मतलब एक एक सेट चेक होके आता है ताकि कस्टमर के पास कमी ना निकले इसकी। और यहाँ पे आप एक चीज़ मेरे को थोड़ी डाउट लगा, क्योंकि ये जो आप बोर्ड देख सकते हो तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हेडसिंक से लगी हुई जो कि इसको सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर को अगर इस तरीके से कहीं हम कसते भी हैं तो ये हल्का हल्का हिलता रहेगा। तार जैसे कि आपने मान लो इसको अगर इस तरीके से भी कस दिया तो ये तार के खिंचाव से ये हिलता रहेगा जब सेट हिलेगा तो, ठीक है, उससे इसकी जो पिन है वो टूटने का डर रहता है। खैर अब मैं इसे को जो चलाऊंगा इस वाली पावर सप्लाई से चलाऊंगा जो सेलकॉन की है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वाली सप्लाई के बारे में, कि अगर आपको जानना हो तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, फिर भी मैं इसके कनेक्शन बता दूंगा। तो आप इसके अंदर साफ साफ देख सकते हो सब चीज़ें लिखी रहती है, VCC प्लस और VEE माइनस, यानी कि माइनस वाली वोल्टेज प्लस वाली वोल्टेज, माइनस भी एक वोल्टेज होती है जो डाउन वाली होती है और उसके अलावा होता है एक ग्राउंड, सॉरी यहाँ लिखा हुआ आउटपुट, तो यहाँ आउटपुट लगेगा प्लस और यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ लिखा हुआ यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड लगेगा और जो आउटपुट प्लस और ग्राउंड से ही एक स्पीकर वायर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, इस तरफ जुड़ेगा इनपुट, इसके अंदर यहाँ पे सेलकॉन लिखा हुआ है और U44 जो इनका कोड होता है अक्सर मैंने काफ़ी बोर्डों में देखा है तो वो भी लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से है प्लस माइनस स्पीकर आउटपुट ग्राउंड, ठीक है, ये तीन चीज़ें ही होती हैं। आउटपुट मिल गया आपको, सप्लाई देनी है आपको और इनपुट देना है इसको तो ये चलेगा। यही चीज़ें एक बोर्ड के लिए जरूरी रहती है, ऑडियो बोर्ड के लिए, जो हमें समझना रहता है कहाँ क्या लगेगा, इसके अलावा नहीं होता कुछ भी। बेस ट्रेबल अगर आप कनेक्ट करते हो तो उसकी एक अलग वो प्रोसेस होता है। तो अब आप देख सकते हो कि एक मेरे पास ये है जिसमें काफ़ी अच्छा है कि ये आप देख सकते हो इसकी हेड सिंक जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे कसी गई है एक सपोर्ट दे करके। इसके अंदर भी अगर कोई सी भी एक जंपर जोड़ा जाता है या कोई सी भी कटिंग वगैरह, या फिर इसको थोड़ा सा और नीचे को करके इस PCB को हल्की सी बढ़ा के अगर यहाँ कसा जाता या कुछ भी तरीके से इसको फिक्स करा जाता बोर्ड को ताकि ऐसे हिले ना, तो काफ़ी सही रहता मेरे हिसाब से। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक मैंने जंपर जोड़ रखा है जिसका यहाँ से स्विच होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूज़ लगता है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे बैटरी लगेगी प्लस की जहाँ पे फ्यूज़ है, और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे माइनस लिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राउंड लिख रहा था जो कि छुप गया है शोल्डर के नीचे से, यहाँ ग्राउंड इस तरफ भी ग्राउंड लिख रहा था, तो यहाँ पे ग्राउंड है यहाँ पे प्लस है, तो इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड आप देख सकते हो दोनों का पास पास में ही है, यानी कि जो जीरो होती है, ठीक है, तो और जो कि ये आप देख सकते हो ये प्लस माइनस है, जिस तरफ यहाँ लिख रहा होगा ये देख सकते हो वी
इसके नीचे छुप गया है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो कैपेसिटर है इसका, ये वाला माइनस का पॉइंट होता है जिस तरफ ये निशान लगा होता है, और माइनस माइनस छपा भी होता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यानी कि ये माइनस, और जो पीछे से घूम के आ रही होगी वोल्टेज आप देख सकते हो, जो कि इस तरफ से घूम के आ रही है, जो कि बगल वाली है उसके, तो वो हो गई प्लस, यानी कि इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, और ये जीरो फिर इधर प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से पीछे इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैंने इसकी एक बार ये वाली कॉइल निकाल के किसी और में चलाने की चला के देखा था, मतलब जो हमारे पास सप्लाई है उसके अंदर चला के देखा था, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं।
हूँ।